अपन नेक्स्ट चार सवाल उन पर डिस्कस करेंगे। एस प्रभेद पर किसका आवरण होता है जो आर प्रभेद पर नहीं होता है? अपन जानते हैं एस है या घातक होता है, क्या होता है? एस प्रभेद होता है, ये उग्र प्रभेद होता है, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी का, इसके कारण क्या होता है, निमोनिया रोग होता है चूहों को। मेरा एक दोस्त था सोहन, काफी घातक था, बहुत डेंजर नाम से उसको जान लेते हो, इसलिए मुझे हर समय याद रह जाता है। ऐसा ही मैं सोचता हूँ ये तो उग्र है, क्या है, इससे रोग हो जाता है। तो एस प्रभेद पर किसका आवरण था? एस प्रभेद पर पॉलीपेप्टाइड का आवरण था, या पॉलीसेकेराइड का आवरण था, या प्रोटीन का आवरण था, या ग्लाइकोलिपिड का आवरण था। तो बहुत ही आसान है कि एस प्रभेद है उस पर किसका आवरण होता है, तो पॉलीसेकेराइड का, जिसको अपन बहुसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बहुसेकेराइड, यानी कि आपको बताना पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एस प्रभेद पर किसका आवरण था, तो आपको बताना है पॉलीसेकेराइड का, यह आर प्रभेद पर नहीं था। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि डीएनए ही, जो डीएनए है वो आर जीवाणु को रूपांतरित करता है, यानी एस जीवाणु का जो डीएनए था, ये एस जीवाणु है, इसका ये डीएनए था, इसने आर को एस में बदल दिया, आर को किस में बदल दिया, एस में बदल दिया, ये डीएनए है, किसका डीएनए है, एस का डीएनए है, एस कैसा है, मर्त है, उसके डीएनए ने आर को किस में बदल दिया, एस में बदल दिया, ये किसने सिद्ध किया? पहला है ओस्वाल्ड एवेरी, दूसरा है कॉलिन मैक्लियोइड, तीसरा है मैकलिन मैककॉर्टी, और चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये तीनों वैज्ञानिक थे, एक का नाम था ओस्वाल्ड एवेरी, दूसरा कॉलिन मैक्लियोइड और तीसरा मैकलिन मैककॉर्टी। इन्होंने सिद्ध किया था कि ये जो एस है उसका डीएनए आर को एस में बदल देता है, आर को किस में बदलता है, एस में, और चूहे को क्या हो जाता, निमोनिया हो जाता, ठीक है। अगला सवाल है, आरएनए एंजाइम, तीन एंजाइम काम लिए थे इन वैज्ञानिकों ने, एक एंजाइम को अपन कह रहे हैं आरएनएज, आरएनएज आगे एज लगा देंगे, दूसरा डीएनएज इसमें एज लगा देंगे, और तीसरा प्रोटीएज। ये प्रोटीएज किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। डीएनएज किसका पाचन करता है, डीएनए का पाचन करता है। आरएनएज किसका पाचन करता है, आरएनए का पाचन करता है। यानी इन्होंने क्या किया था, अलग अलग एंजाइम लिए थे, तो आरएनएज एंजाइम एज लगा हुआ पीछे, एंजाइम के पीछे एज लगता है बच्चों। आरएनएज एंजाइम का क्या कार्य है, आरएनए का पाचन करना, सही है, डीएनए का पाचन करना नहीं, प्रोटीन का पाचन करना नहीं, वसा का पाचन करना नहीं। अगर यह डीएनएज एंजाइम होता तब उत्तर होता है डीएनए का पाचन करना, और प्रोटीएज एंजाइम होता तब होता प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है, और यहां पे लाइपेज एंजाइम होता तो वसा का पाचन है। तो अपन जानते हैं इसका उत्तर होगा आरएनए का पाचन, और इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब अगला सवाल है डीएनएएस, ये लिखा हुआ है, एक आपकी बुक में सवाल है डीएनएएस और डीएनएएस, इसमें अंतर। तो ये तो एंजाइम है जो डीएनए का पाचन करता है, और एस का मतलब है सिंगल स्टैंड, एस का मतलब होता है सिंगल स्टैंड, यानी डीएनए एक रज्जु की है। तो डीएनएस का क्या तात्पर्य है, एक रज्जु की डीएनए, डीएनए का पाचन करने वाला एंजाइम, उपरोक्त ए और बी दोनों न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाले एंजाइम। तो डीएनए का पाचन करने वाला एंजाइम तो आपको बताना है डीएनएज है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाला एंजाइम न्यूक्लिएज है, इसका उत्तर होगा एक रज्जु की डीएनए। यहां लिखा हुआ है सिंगल स्टैंड डीएनए, सिंगल स्टैंड डीएनए को अपन कहते हैं एक रज्जु की डीएनए, तो इसका उत्तर होगा आपने एक रज्जु की डीएनए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है, किसने सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कौन से वैज्ञानिक थे जिसने सिद्ध किया डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, उसका सुस्पष्ट प्रमाण दिया था। तो पहला वैज्ञानिक है अल्फर्ड हर्शे, दूसरा है मॉर्ट चेस, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है ग्रिफिथ। तो अल्फर्ड हर्शे और मॉर्ट चेस है, इन्होंने जीवाणु भोजी का उपयोग किया था, और जीवाणु भोजी है, ये जीवाणु भोजी क्या होते हैं, विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, इस तरह के जीवाणु भोजी होते हैं, ठीक है। ये जीवाणु भोजी क्या करते हैं, इस जीवाणु को संक्रमित करते हैं। इस जीवाणु भोजी का ये सिर है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ है, इस अनुवांशिक पदार्थ के डीएनए है, इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, फास्फोरस 32 है उसको प्रवेश करवा दिया, और इसका प्रोटीन है उसमें सल्फर 35 प्रवेश करवाया।
फिर उसके बाद ये जीवाणु भोजी है, इसका अनुवांशिक पदार्थ इसमें मिक्स हो गया और बहुत सारे नए जीवाणु भोजी बने। सभी जीवाणु भोजी थे उनके अंदर फास्फोरस 32 मौजूद था, सल्फर 35 मौजूद नहीं था। इसका मतलब प्रोटीन अगली पीढ़ी में नहीं जाता है, केवल फास्फोरस ही अगली पीढ़ी में जाता है। तो किसने सिद्ध किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है? पहला अल्फर्ट हर्षे, दूसरा है मॉर्ट चेस। तो आपको बताना है उपरोक्त ए और बी उत्तर होगा इसका, ठीक है। जीवाणु भोजी क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, पादप विषाणु है या कवक है? अभी आपको मैंने बताया कि वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। तो एक्चुअल में जीवाणु भोजी क्या है? ये विषाणु है जो जीवाणु को खाते हैं। तो उत्तर होगा विषाणु, ठीक है। अगला सवाल है, जीवाणु भोजी के अनुवांशिक पदार्थ में कौन सा रेडियो एक्टिव मिश्रित किया गया? पहला है फास्फोरस 32, दूसरा है सल्फर 35, तीसरा है कार्बन 14, चौथा है नाइट्रोजन 15। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को उत्तर आ गया होगा कि फास्फोरस होता है वो डीएनए के अंदर होता है, इसलिए फास्फोरस 32 है उसको मिश्रित किया गया था, सल्फर को प्रोटीन में मिक्स किया गया था, प्रोटीन में सल्फर होता है, ठीक है। जीवाणु भोजी में जनन की विधि है, जीवाणु भोजी इस जीवाणु को संक्रमित करता है, बहुत सारे जीवाणु बनाता है, इसको अपन लयन चक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लयन चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और अपने सामने फिर चार सवाल आ चुके हैं। एक रज्जु की डीएनए किस में होता है? एक रज्जु की डीएनए किस में होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो आपसे पूछा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किस में होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फाई 174 बैक्टीरियोफेज, दूसरा है टोबैको मोज़ेक वायरस, तीसरा है क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, चौथा है ई कोलाई, ठीक है। अब अपने पूछा आपसे, तो आपको पता ही है फाई 174 बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर क्या होता है? एक रज्जु की डीएनए होता है। टोबैको मोज़ेको वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये भी सवाल आ सकता है एक रज्जु की आरएनए किस में होता है, तब उत्तर ये होता है, ठीक है। और ई कोलाई के अंदर द्वि रज्जु की डीएनए होता है, ठीक है। अगला सवाल है अनुवांशिक पदार्थ का गुण नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ की विशेषता होती है अपने समान प्रतिकृति बनाने में सक्षम। सही, अनुवांशिक पदार्थ अपने समान प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। अनुवांशिक पदार्थ स्थायी होता है, इसमें धीमे उत्परिवर्तन होता है और विकास के लिए उत्तरदायी होता है और मेंडेलियन नियमों की पालना करता है, लेकिन यह अस्थायी और शीघ्र उत्परिवर्तित होता नहीं। अनुवांशिक पदार्थ स्थायी होता है, कैसा होता है? स्थायी होता है और शीघ्र उत्परिवर्तित नहीं होता है, धीमे उत्परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनुवांशिक पदार्थ अस्थायी और शीघ्र उत्परिवर्तित होता है, ये गुण नहीं है, ठीक है। राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में होती है। अंतर है 5 कार्बन, अपन ये राइबोस शर्करा बनाते हैं, ये राइबोस शर्करा बना रहे बच्चों, ये राइबोस शर्करा है एच ओ एच एच ओ एच एच OH H H CH2OH, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब अपन डीऑक्सीराइबोस शर्करा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये H OH और इधर लिख देते हैं H, इधर H H H OH H CH2OH, ये है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा। तो ये जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पर यहां हाइड्रोक्सिल समूह है राइबोस शर्करा में, जिसके कारण यदि क्रियाशील होती है और अस्थायी होती है। और डीऑक्सीराइबोस शर्करा नाम से ही पता चल रहा है इसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी है। तो इसने पूछा है कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा में अंतर है, 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, ये अंतर नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है, ये पाई जाती है आरएनए में राइबोस शर्करा, और डीऑक्सी पाई जाती है डीएनए, तो ये भी अंतर नहीं है। न्यूक्लियोटाइड में ये दोनों बन पाई जाती है, और फिर है दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह, बिल्कुल सही, यानी राइबोस शर्करा है उसमें दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है,
और डीऑक्सीराइबोज सल्फा पे दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह नहीं पाया जाता। तो इसका उत्तर होगा मेन ये है कि दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह होने के कारण ये अधिक क्रियाशील होती है जिसके कारण आरएनए कम स्थायी होता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, ये मैंने एक अणु बनाया है ए फिर यू फिर सी फिर जी फिर ए फिर उसके बाद यू, और ये मैंने एक अणु बनाया ए फिर टी फिर यू फिर सी फिर उसके बाद सॉरी ए के बाद यू नहीं यहां सी है फिर उसके बाद जी है फिर जी है फिर ए है फिर ये टी है। तो अब इसमें कौन सा डीएनए है और कौन सा आरएनए है। ठीक है, तो टी होगा वो होगा डीएनए, क्या होगा थाइमिन होगा वो डीएनए होगा और यूरेसिल होगा वो आरएनए होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, तो हाँ पहला ऑप्शन है गुआनिन है, दूसरा यूरेसिल है, तीसरा साइटोसिन है, चौथा एडेनिन है। तो आपको पता है यूरेसिल होता है, थाइमिन में क्या होता है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, तो ये आरएनए की पहचान है उसमें यूरेसिल होता है, यूरेसिल के कारण आरएनए कम स्थायी होता है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है डीएनए का प्रतिकृतीकरण अर्धसंरक्षी विधि से होता है, किसने सिद्ध किया, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए का प्रतिकृतीकरण अर्धसंरक्षी विधि से होता है। अर्धसंरक्षी विधि का मतलब है आधा स्ट्रैंड होगा वो वही रहेगा और आधा स्ट्रैंड क्या होगा नया बनेगा, यानी जो आधा स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा पुराना रहेगा और आधा स्ट्रैंड उसके ऊपर नया बनेगा, उसको कहते हैं अर्धसंरक्षी। पहला वैज्ञानिक है मैथ्यू मैनसन और फ्रैंकलिन स्टाल, दूसरे है ओसवाल्ड एवेरी और मैकॉर्टी, तीसरा है वाटसन और क्रिक और चौथा है अल्फर्ड हेयर्स और मार्टिन चेस। तो इन्होंने यह सिद्ध किया था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इन्होंने भी यह सिद्ध किया था कि एस कारक होता है उससे एक डीएनए निकलता है जो आरएनए को एस में बदलता है, वाटसन क्रिक ने डीएनए का द्विरज्जु की मॉडल दिया था, मैथ्यू मैनसन और फ्रैंकलिन स्टाल ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का एक तो भारी समस्थानिक 14 और एक नाइट्रोजन का भारी हल्का समस्थानिक 15 है, उसमें डीएनए है उसको काफी टाइम तक रखा और रखने के बाद उसको प्रतिकृतीकरण करवाया और ये सिद्ध किया कि डीएनए का आधा स्ट्रैंड वही रहता और आधा स्ट्रैंड होता वो नया बनता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मैथ्यू मैनसन और फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने अर्धसंरक्षी विधि से डीएनए का प्रतिकृतीकरण होता है सिद्ध किया। डीएनए का प्रतिकृतीकरण कौन सी विधि से होता है, इन्होंने आगे लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी ई कोलाई में, ई कोलाई में डीएनए का प्रतिकृतीकरण कौन सी विधि से होता है, पहला है संरक्षी और एकदिशीय, दूसरा है संरक्षी और द्विदिशीय, तीसरा है अर्धसंरक्षी और एकदिशीय, संरक्षी तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो ऑप्शन कट जाएगा, संरक्षी अर्धसंरक्षी और एकदिशीय, अर्धसंरक्षी और द्विदिशीय। तो डीएनए का प्रतिकृतीकरण आपको दिख रहा है एक इस दिशा में और इस दिशा में, तो इसका होता है अर्धसंरक्षी और द्विदिशीय, डीएनए का प्रतिकृतीकरण अर्धसंरक्षी और द्विदिशीय में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। डीएनए प्रतिकृतीकरण में जो एंजाइम भाग लेते हैं उसका नाम नहीं है, डीएनए प्रतिकृतीकरण में कौन सा एंजाइम भाग नहीं लेता, सबसे पहले रेप्लिसोम, रेप्लिसोम क्या है एक एंजाइमों का समूह है जो डीएनए में भाग लेता है डीएनए प्रतिकृतीकरण में, तो रेप्लिसोम एक पूरा एंजाइमों का समूह होता है जो डीएनए प्रतिकृतीकरण में भाग लेता है। डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए प्रतिकृतीकरण में भाग लेता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है ये प्रतिकृतीकरण में नहीं अनुलेखन में भाग लेता है, यानी डीएनए से आरएनए बनता तब ये काम आता है। डीएनए लाइगेज ये डीएनए के छोटे छोटे उपभाजक की खंडों को जोड़ता है, तो अपना उत्तर होगा आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है, ये डीएनए प्रतिकृतीकरण में भाग नहीं लेता, ये अनुलेखन में भाग लेता है, तो इसका उत्तर होगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतीकरण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, कई बार सवाल आ चुका बच्चों एग्जाम के अंदर कि डीएनए प्रतिकृतीकरण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है, ऐसा अवस्था होती है इसको संश्लेषणकारी अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में क्या होता है डीएनए का प्रतिकृतीकरण होता है, ये अपने ध्यान रखना है। ठीक है, जीवन अवस्था तैयारी अवस्था है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना प्रोटीन जो ये प्रतिकृतीकरण के लिए आवश्यक प्रोटीन और दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है वो होता है, और इसके अंदर भी क्या होगा
अन्य पदार्थों का निर्माण होगा। तो आपसे पूछा जाएगा डीएनए प्रतिकृतिकरण कौन सी अवस्था में होता है, ऐसा अवस्था में होता है।